तो मैं आ, प्राजिता मुंबई में रहती हूँ और 2008 से गांधीवेदी मुंबई में ठाकुर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एम सी डिपार्टमेंट में मैं यू में यू से 2020 से जुड़ी हुई हूँ हाँ जब मैंने पाँच दिवस का जो ऑनलाइन वर्कशॉप है वो किया था आ, मैं 2021 जनवरी से सुबह के साथ सत्र से जुड़ी हुई हूँ और अगस्त 2020 से यूएचपी के विभिन्न जो वर्कशॉप चल रही उन उसमें वॉलेंटियर कर रही हूँ और जब से मतलब इतने समय से वॉलंटियर कर रही हूँ तो कई सारे जो प्रपोजल्स हैं उनको दोबारा दोबारा सुनने का मौका मिल रहा है और इसके कारण कई सारी जो प्रपोजल्स है उसके स्पष्टता भी धीरे धीरे ही मिल पाई मुझे मुझे ऐसा लगता है जब मैंने वर्कशॉप में रखना शुरू किया इस वस्तु को तो मैंने देखा कि मुझमें और समझने में ना थोड़ी गति हुई मुझे विश्वास और सम्मान के समझने में बहुत ज्यादा समय लगा मैं समझ नहीं पा रही थी कि सबके लिए विश्वास का भाव कैसे हो सकता है लेकिन निरंतर वर्कशॉप से जुड़े रहने से और निरंतर जो एक्सप्लोरेशन चलता रहा उसके तहत विश्वास को समझा उसको समझने में मदद थी, विश्वास सम्मान तो मुझे लगता है कि विश्वास के भाव जब 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 मुझमें होता है तो मुझे लगता है कि काफी सारा बोझ जो है वो कम हो जाता है ये देखना है कि मैं और स्वयं मैं और दूसरा अलग नहीं है ना उसका अगले का इंटेंशन मेरे जैसा ही है और वो प्योर ही है कॉम्पिटेंस की मेरे जैसे मुझमें कमी है वैसे अगले में भी हो सकती है फिर उस तरह से देखने में एक बहुत मेजर शिफ्ट है ये रास्ते में जब मैंने इन भावों को समझा मगर इनको निरंतर किस तरह से ना देखा जाए और अपने आप में इनको किस तरह से इन भावों में बनी रहू ये बात तो सुबह के सत्र में ही समझ में आई मेरा दिन शुरू होता है सुबह के सत्र से और ये मदद करता है मुझे कि मैं सजग रहूं मुझे याद रहे कि बार बार मैं देख पाऊ कि क्या विचार चल रहा है आ, क्या है भाव मेरा और पहले मैं नहीं जानती थी कि इस तरह से भाव और विचारों को देखने के लिए कोई ऐसा व्यवस्थित तरीका भी हो सकता है मैं ना मुझे सचेत रहने में मदद मिल सकती है और जो मैं प्रक्रिया जो बाहरी जो प्रतिक्रियाएं हो जाती हैं उससे बचा जा सकता है तो से की बात करूँ स्वयं द्वारा स्वयं को देखना हर क्षण बिना मूल्यांकन बिना प्रतिक्रिया तो मैं दृष्टा हूं आखिर सिर्फ यंत्र हर पल सिर्फ निरीक्षण करना है प्रतिक्रिया नहीं करनी है ये बात ये स्टेप बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेप है है मुझे लगता है। और ये अभी भी ठीक से नहीं हो पा रहा है मुझसे बिना मूल्यांकन बिना प्रतिक्रिया बिना रोके बिना बदले जैसे चल रहा है वैसे देखना अभी भी बहुत मुश्किल मालूम होता है दिखते दिखते कब मैं उसमें बह जाती हूँ कुछ समय बाद मालूम पड़ता है कि मैं कुछ तो सिर्फ ऑब्जर्व करना था और उस जो विचार चल रहा है उसके पीछे मैं भावनाओं को और विचारों को देख तो पाती हूँ मगर हर पल से देखना पॉसिबल नहीं लगता वो नहीं हो पाता पहले केवल बहुत सूर विचार ही विचारी मुझे दिखते थे आ, विचारों के बारे में प्रतिक्रिया भी साथ साथ होती थी इसमें कभी कभी उनका विश्लेषण करती रहती कभी कभी विचारों के साथ सही ठहराने का प्रयास करती मतलब जजमेंट करती और मतलब उसमें बह जाना ऑब्जर्व करते रहना आ, तो बहुत ऐसा लगता है कि ये स्टेप पर ही मैं तो बहुत अटक अटकी हुई हूँ अभी मगर ये जरूर है कि सुबह के सत्र में जुड़ने से अब कई बार ध्यान जाता है पहले कुछ रिमाइंडर्स भी रखने पड़ते थे पर अब यह है कि कई बार पॉज करती हूँ और आ, देखती हूँ कि क्या चल रहा है क्या भाव है ऑब्जर्व करती हूँ और कई बार जब बहुत गड़बड़ स्थितियां होती हैं तो ज्यादातर भाव को देख पाती है आ, में हर क्षण मुझे जो भाव है क्या चल रहा है ये मेरे लिए सहज है या नहीं इस बात को जब हम देखने जा रहे हैं क्या ये ठीक है जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं नहीं होती है, है? और जिन लोगों के साथ मेरा काफी विरोध है या उन, उन मैं समझती हूँ उनका मेरे प्रति विरोध है आ, मैं भावनाओं को देखने के लिए रुकती हूँ कुछ मोमेंट्स अपने देती जांचती हूँ स्वीकार है नहीं है यदि मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि अगले को आ, जैसे अगले को, को जैसे बुलाया है मुझे मैं जैसे ही है मेरे और मुझे मालूम है उनके साथ काफी विरोध रहता है कर, मेरा मैं रुक कर देखती हूँ आई हैव टू मीट आई हैव टू अप्रोच द अदर विद अ लॉट ऑफ कंपैशन दूसरा मेरे जैसा ही है आ, मेरे में उसमें अंतर नहीं है कोई और फिर ये ऐसी घटनाएं जो जब होती हैं तो लगता है ये कसर है जो कि मुझे अब मेरे गहरे गहरे संस्कारों को देखने के लिए मदद कर रहा है जो बिना विरोध के दूसरे के पास जाना मतलब अगले को के बारे में इस तरह का विचार मतलब पहले विचारों में ही चलाना है इसको कि भाई मैं मुझे तो कृतज्ञ होना चाहिए कि ये व्यक्ति मुझे मेरे गहरे संस्कारों को देखने में मदद कर रहा है ना मुझे अपने आप को स्वयं को जानने में मदद कर रहा है वास्तव में मुझे तो आभारी होना चाहिए क्योंकि इस व्यक्ति को जैसे कोई कार्य दिया गया है मेरे गहरे संस्कारों को देखने के लिए अब इस तरह के जब पहले विचारों में इस बात को चला रहा चलाना कि जब सेटल हो जाती है तो मैं बहुत ही आराम से अगले को अप्रोच कर पाती हूँ कई बार भी सिर्फ विचारों में चलता है कई बार जब -जब ऐसा होता है कि कुछ पति देव ने कुछ बोल दिया अब मुझे ये अब मुझ में ये चलता रहता है देखो कोई कृतज्ञता का भाव नहीं है मैं कितना कुछ करती हूँ ये वो तमाम बातें थोड़ी देर विचार चलाते चलाते फिर फिर उसको छोड़ देती हूँ आराम में आ जाती हूँ फिर जब नॉर्मल परिस्थिति होती है जब वो भी सुनने के ए, उसमें होते हैं तो बात हो सकती है ये कई बार हो पाता है और कई बार नहीं भी हो पाता जब मगर मुझे मेरे को लगता है कि मैं ज्यादा समझदार हूँ तो मैं ही तो ज्यादा जिम्मेदार भी हूँ ये बात बहुत ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लगती है मुझे क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो समझदार हूँ अगर मैं हूँ समझदार तो फिर मैं ही जिम्मेदार हूँ तो कोई भी सिचुएशन में अगर कुछ गड़बड़ हो रही तो मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है बाहर की परिस्थिति का कोई दूसरे व्यक्ति इसका निर्णय लेता है क्या कि मैं स्वयं ही निर्णय लेती हूँ मुझे लगता है कि मैं खुद तय करती हूँ कि मुझे में क्या भाव होना चाहिए इसका अर्थ है कि मैं स्वयं अपने आप के अपने में जो सुख दुख है उसकी तदाई हूँ मैं पूरी तरह से हंड्रेड जिम्मेदार हूँ मैं दूसरे के बारे में शिकायत करना छोड़ सकती हूँ मैं अपने विकास के लिए अपने स्वयं के परिमार्जन के लिए प्रयास करने के लिए तैयार हो जाती हूँ मैं मतलब इस तरह से मजबूर लाचार नहीं हूँ अगर कुछ बोल दिया उन्होंने अब में वो चलता रहता है देखो कोई कृतज्ञता के भाव नहीं है या कुछ भी ना उसके पीछे पीछे फिर एक देर इज लाइन ऑफ लाइक थॉट्स दैट कीप द राउंड्स कौन ले ले रहा है इस विरोध के भाव इस विरोध के जो विचार चल रहे हैं मुझ में मैं ही तो ले रही हूँ एंड आई 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 कैन डिसाइड आई एम टेकिंग द डिसीजन अब किस आधार पर है ये कॉन्ट्रोडिक्ट्री जो इच्छाएं हैं मेरी जो सहज स्वीकृति के साथ मेरी मान्यताओं का जो मेल नहीं खा रहा है जैसे कि आ, एक, उसके कारण ही मुझे लगता है ये है जैसे कि मैंने अपने बेटे को कई बार कॉलेज में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर कुछ कहा उससे और मैं चिंतित रहती जाती हूँ उसको लेकर कभी कभी मैं देखती हूँ और प्रस्ताव रूप में बात को रखना कई बार भूल जाती हूँ और मैं चाहती तो हूँ कि वो भी सुखी रहे मैं भी मगर अल्टीमेटली आई एंड अप यू नो डिस्टर्बिंग माई चाइल्ड क्योंकि ये मान्यता अभी बहुत दूर नहीं गई है मेरे को लगता है कि भाई ना आप क्या कर रहे हैं कॉलेज में प्लेसमेंट्स के टाइम है आपका ना ईमान है कि प्लेसमेंट इज इक्वल टू तो नौकरी इज इक्वल टू तो सफलता इज इक्वल टू तो सुख क्या मुस्क क्या मेरा सुख इस पर निर्भर करता है ना अगले से मैं प्रस्ताव में भी बात कर सकती थी और परिस्थितियां जो बाहर है वो ही आ, मुझे अनुकूल परिस्थितियां होंगी तभी सुख मैं सुखी रह पाऊंगी तो मैं सम मैं मुझे लगता है कि मैं समय ले रही हूँ तो इन भावनाओं को कौन तय करता है इन भाव को अपने आप में रख सुनिश्चित किया जा सकता है और मैं ही हूँ इसके लिए जिम्मेदार मैं मूल्यांकन अपना खुद का कर पाती हूँ कभी जैसा और फिर बाद में भी कई बार समय रहते कर लेती हूँ कभी कर, उस, डिसीजन में होती हूँ तब नजर आता है कई बार बाद में वास्तव में मुझे मेरी मदद के लिए किसी और की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है ये तो मुझे मैं, मैंने समझा यूएचवी से जुड़े हुए कि आई डोंट हैव टू लुक आउटसाइड फॉर एनी हेल्प मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ और मैं मैं निर्णय ले रही हूँ और मैं आई कैन हेल्प माई सेल्फ मेरे पास पर्याप्त क्षमता भी है अगर मैं ध्यान दू तो मैं मदद कर सकती हूँ अपना अपनी मैं खुद अपने लिए तय करती हूँ मेरे लिए कोई और नहीं तय कर रहा है तो जैसे कि एक गणेश जी की बात सुन रहे थे एक वर्कशॉप में कि मैं इस अस्तित्व में बिना कंपस के नहीं हूं ना इस कंपस जो है सहस्त्र विकृति जो है नेचुरल एक्सेप्टेंस ये ही मूल रेफरेंस है केवल इसके साथ ही स्वयं का मूल्यांकन संभव है मतलब ये जो दृष्टा है वही है ना जो चीज जो नित्य है उसके नित्य ही सुख का स्रोत हो सकता है जो दृष्टा है वो नित्य है समय के साथ बदलता नहीं है दृष्टा जो है देखता है एक जैसे देखता है सहज स्वीकृति से देखता है वो संस्कार को भी देख सकता है वो वो उसको ट्र, ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है तो मैं शुद्ध दृष्टा हूँ मगर इसमें यहाँ तक पढ़ने में मुझे बहुत समय लग रहा है मुझे यह देखना है कि मेरा और जब मैं यूं देखती हूँ कि मैं किधर कंसंट्रेट कर रही हूँ कहाँ फोकस कर रही हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं भौतिक सुविधाएं शरीर संवेदनाएं स्वयं संबंध और या स्वयं ये कहाँ है केंद्र बिंदु मेरा तो देखती हूँ मैं पूरे ही पूरी रेंज में ऐसे ही झूलती रहती हूँ नहीं देख पाती और मुझे काफी कुछ काम करने की जरूरत है अः ये जो है किस आधार पर मुझे लगता है मुझे स्पष्ट बहुत नहीं है अभी इस स्टेप पर मुझे बहुत कुछ काम करना है एक दिन ऐसा ही हुआ कि छुट्टी थी हस्बैंड तो घर पर ही थे और मैं शाम को आई काफी लेट तो बोलते अच्छा मैंने चाय चढ़ा दी है चाय बना मैं, तो चाय इस वक्त पीती नहीं हूँ क्या कर रहे थे पूरे दिन ना चाय तो कुछ बना ही सकते थे एंड आई जस्ट कि भाई क्या आधार है मान्यता ये, ये घर में है कि घर में कोई काम नहीं है टाइम ही टाइम है बना ही लेनी चाहिए थी चाय और ये सब विचार मैं तो चाय नहीं पीती इस वक्त एंड ऑल दैट फिर लगता है कि क्या फर्क पड़ जाता है है ना रोज तो होता नहीं इस तरह चाय पीना किसी दिन अगर चाय पी ली साथ में तो ठीक ही है ना क्या फर्क पड़ जाएगा क्योंकि संबंध ही मुझे सहज स्वीकार है विरोध नहीं ऐसे कुछ कुछ इंसिडेंसेस होते रहते हैं कई बार सही से इसको हैंडल कर लेती हूँ कभी नहीं मुझे लग जैसे कौन सा भाव मेरे लिए सहज स्वीकार है संबंध का भाव या विरोध का देखती हूँ तो संबंध का भाव ही सहज स्वीकार है फिर भी कई बार मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ सख्ती होना चाहिए वरना कोई लोग हल्के में लेते हैं काम नहीं किया करते पुराने संस्कार बहुत दूर नहीं गए हैं सिर्फ दवे से रहते हैं और कई बार देखती हूँ कि इन पुराने संस्कारों को देख पाती हूँ और प्रतिक्रिया नहीं होती मगर कई बार नहीं भी देख पाते मैं जो देख रही हूं, मेरे सुख है, जब, जब तो है तो नजर आ रहा है मुझे मैं कुछ से चीजों को देखना है कि ऑब्जर्व करना है पहले तो यही स्टेप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्रीडम है मेरे लिए मैं मजबूर नहीं हूं मैं चुन सकती हूँ इसलिए संबंध व्यवस्था और सहित की भावना सुनिश्चित करने में आ, मैं अपनी मदद कर सकती हूँ निरंतर सुख की स्थिति में रह सकती हूँ सुख मेरा स्वभाव है कोई प्रभाव नहीं है ना कोई और तय नहीं कर रहा है इस बात को यदि ये भाव निरंतरता में सुनिश्चित कर पाती हूँ कर पाने का ये जो प्रयास है ये इसको इम्पोर्टेंट समझती हूँ जो सब स्टेप है उसको इसको देखू तो कई बार मैं, मैं समय निकाल के मौन में बैठ जाती हूँ एक या दो सेकंड के लिए मैं शांति का, का एहसास करती हूँ मुझे जो जो शांति उस वक्त मिलती है तो मुझे नहीं पता कि यह संबंध व्यवस्था और सहज को जो मैं देख पा रही हूँ उसके कारण है ये उसका उसको समझने के परिणाम से है या नहीं अभी मुझे ये नहीं मालूम लेकिन ये आनंददायी है अगर मैं कुछ सेकंड्स के लिए शांति को महसूस कर सकती हूँ तो मुझे लगता है कि इसको इस ड्यूरेशन को बढ़ाया जा सकता है और ये जो स्टेप्स हैं ये मेरे को इस तरफ मूव करने के लिए यानी इस तरह निरंतर सुख की स्थिति में रहने के लिए मदद कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है इसीलिए मैं इतने समय से इसके साथ जुड़ी हुई हूँ मुझे नहीं पता कितना मुझे समझ में आया है आ, इस, कितना इस पूरे विषय वस्तु को मैं समझ पा रही हूँ अभी मुझे लगता है कि काफी कुछ काम करना बाकी है अगर स्टेप टू को देखो तो मैं चत हूँ शरी, और शरीर जो है ये दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं। मैं सिर्फ लॉजिकली समझ पाई हूँ सीधे सीधे देखना नहीं हो पाया सीधे सीधे देखने की ऐसी योग्यता अभी मुझ में नहीं है ये अगर मैं देखूं कि सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है तो ये जो संसार है ये जगत है ये जो भी सभी सूचनाएं जो मिल रही मिल रही हैं सेंसेशन ना जो कि मेरी इंद्रियां पकड़ रही हैं और ये पूरा उस जो सेंस बनाया है मैंने उसी का बनाया है ये जो 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 इंद्रियां हैं वो एक फिल्टर वही तो मुझे इनपुट दे रही है बाहर के जगत का पता नहीं ये जो फिल्टर है वो सही है कि नहीं क्या वो सही सही जैसा है वैसा देख पा रही हूँ क्या मैं मुझे नहीं पता कई सारे मान्यताओं के और के uh, फिल्टर से भी गुजर के आ रही है चीजें जैसे देख पा रही हूँ पता नहीं मुझे कि मैं कोई जो चीज बाहरी संसार को भी देख रही हूँ पा भी रही हूँ कि नहीं ये को देखें तो मैं संवेदनाओं को हमेशा नहीं पढ़ती लेकिन जब मुझे महत्वपूर्ण लगती हैं तब मैं उन्हें पढ़ती हूँ ये तो मुझे नजर आ रहा है जैसे कि कुछ कोई देख रही हूँ कुछ चीज में कहीं कोई दृश्य है तो भी जो चीज पर ध्यान दे रही हूँ वो क्योंकि पूरी की पूरी इमेज तो मेरे ना आंखों पर पड़ी रही है मगर जिसको मैंने महत्वपूर्ण माना है उसी को मैं देख रही हूँ कई ध्वनिया भी सुन रही हूँ मगर जिसको मैंने महत्वपूर्ण माना है उस पर ध्यान दे, दे रही हूँ तो जिसे मैं महत्वपूर्ण मानती हूँ वो चीज को मैं ध्यान देती हूँ ये तो मुझे समझ में आ रही है मैं स्व और संवेदनाओं के बीच दूरी है इसलिए शायद मैं इन संवेदनाओं को को कभी कभी जब जब महत्वपूर्ण मानती हूँ तब उसको रीड करती हूँ वरना नहीं रीड करती हूँ मुझे लगता है इस इस तरह से शायद तार्किक रूप से मुझे लगता है कि हाँ दूरी है मगर ये जरूर है कि मैं संवेदना नहीं जैसे मैं शरीर नहीं हूं जैसे मैं ये पैर ये हाथ इस तरह से ही मैं स, जो संवेदना है वो भी मैं नहीं हूं मैं स, सभी संवेदनाओं को लेने के लिए मजबूर नहीं हूं ये भी मुझे समझ में आता है ये काफी काफी पावरफुल लगता है मुझे कि जब मैं ध्यान देती हूँ महत्व देती हूँ तभी पढ़ती हूँ देखती हूँ कि मैं अगर चल भी रही हूँ तो मैं देखती हूँ हाँ देखो जब ध्यान देती हूँ कि एक पैर भी आगे नहीं बढ़ के दूसरा कदम भी मैं निर्णय पूर्वक ही उठाती हूँ पिछले हफ्ते एक ट्रैवल कर रही थी तो कुछ बाहर खाना वाना हो गया तो पेट में दर्द हो रहा था तो मैंने देखा कि क्या मतलब रात को नींद खुल गई मैंने देखा कि कुछ पर्टिकुलर संवेदनाओं को कुछ ज्यादा ही अर्थ दे रही हूँ जैसे कि सिर दर्द होता है तो मुझे इतना परेशान नहीं करता पर ये पेट दर्द तो मुझे बड़ा बड़ा परेशान कर रहा है और फिर माने ये, ये, जो स्टेप है, ये में गया कि मैं आए मैं पढ़ना चाहू तो पढ़ू ना पढ़ना चाहूं तो ना पढ़ू और मैंने देखा कि इस बात को सोच देखते ही मैंने देखा कि मुझे आराम आ गया और मैं सो गई पता नहीं इसमें और भी कोई बात होगी मगर मुझे तो भी यही लग रही है अभी पहले जैसे प्रभावित हो जाती थी कुछ हो के, मैं ना देख रही हूँ धीरे 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 ना वो कम हो रहा है मतलब वैसे देखा जाए तो मेरा संस्कार पहले भी बहुत ज्यादा पैनिक होने का नहीं था कुछ घरेलू इलाज इलाज करके मैं ना अपने आप को ठीक कर लेती हूँ मगर फिर भी अः मुझे लगता है काफी इम्पोर्टेंट स्टेप है कि संवेदनाओं को न पढ़ू काफी मैं मजबूर नहीं हूँ उसको पढ़ने के लिए क्योंकि मैं ही अर्थ दे रही हूँ मुझे लगता है कि जैसे गणेश जी को दिन सुन रही थी मैं भाई मनुष्य एक चौराहे पर है उसके पास पर्याप्त विकल्प है शरीर केवल एक उपयोगी साधन है यह अंतिम उपभोक्ता नहीं है ये बहुत इम्पोर्टेंट है मुझे समझ ना, मगर हाँ ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पर ही है मुझे मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात और जहां तक मेरा होना शून्य के में मैं मैं क्या आपने आपको देख पाती हूं इस तरह से कि मैं निरंतर क्रियाशील हूं, शरीर का होना भी शून्य में के अस्तित्व में बना हुआ है तो ये तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट एक अवधारणा के रूप में ही है अभी मैंने इसको स्वीकार ही कर लिया है सीधे सीधे देखने की अभी योग्यता नहीं है मेरी ये अभ्यास मुझे खुद को बेहतर तरीके से जानने में मदद कर रहे हैं और महसूस कर रही हूँ कि मेरा सुख खुद का ही बनाया हुआ है जहां जब जब मैं अवेयर रहूंगी कोई और तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए मैं जब जब अवेयर रहूंगी मेरे को मालूम है कि मैं इस ड्यूरेशन जो है इसको और बढ़ा सकती हूँ कोई और इसके लिए जिम्मेदार नहीं है मगर जीवन में परिस्थितियां आ रही हैं ऐसा लगता है जब कई महीनों कि लगता है कि नहीं अब तो मैं रिजॉल्व हो गई हूँ फिर कोई ऐसे इंसिडेंस आता है कि दोबारा से लगता है वहीं खड़ी हो जहाँ थी तो मुझे लगता है काफी कुछ काम करने की आवश्यकता है और दीदी और भैया के प्रति कृतज्ञता और समस्त परंपरा के प्रति मैं बहुत कृतज्ञ ऐसा इन बातों को हम लोग यहाँ रख पा रहे हैं और अपने आप को बेहतर समझ पा रहे हैं कमिटमेंट की बात हो तो मेरे को लगता है कि बड़ी व्यवस्था में भागीदारी ही छोटी इकाई की सार्थकता है ये बात तो बिल्कुल सही है जैसे जैसे मैं ऊपर की ओर गति कर रही हूँ मैं देखती हूँ कि मेरी भागीदारी भी बढ़ रही है और मैं देखती हूँ कि इस महत्वपूर्ण परिवर्तन में इस सोसाइटल चेन में मैं भागीदार हो सकती हूँ और ये आवश्यक है मेरे लिए और ये जैसे भैया कहते हैं कि ड्यूएबल भी है है ना अनरीचेबल नहीं है तो बद बदलाव हो रहा है और मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ छोटे छोटे योगदान से हम बड़ा योगदान कर सकते हैं इस बदलाव में शामिल हो सकते हैं मैं महसूस करती हूँ कि योगदान करते हुए मैं भी प्रगति कर रही हूँ भागीदारी मुझे उन प्रस्तावों से जोड़े रखती है जो मुझे मेरे आत्म विकास में सहायक हो रहे हैं इसी के साथ ही इतना ही शेयरिंग मुझे करनी थी धन्यवाद सभी का सुनने के लिए दीदी आपने अभी शो कहा शेयरिंग में कि कभी हम लोगों को ऑफिस में भी बात करनी पड़ती है लेकिन पता है कि उनका भाव क्या है जब हम जाते हैं तो किस भाव से अंदर जाते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा उसके बारे में बताइए ना आपने बहुत ही अच्छा बताया बट फिर भी थोड़ा सा जी दीदी तो वर्क प्लेस में भी जैसे कई बार होता है ना कुछ, कुछ लोगों के साथ आपका विरोध हो जाता है और कई समय से जैसे मेरा एक है मेरे सीनियर है मैडम तो उनके साथ अक्सर ये होता है कि विरोध के साथ ही मैं उनसे पेश आती हूँ मेरे दिमाग में चल रहा होता है अभी क्या बोलने वाली है या क्या कहने वाली है पहले से कुछ मैंने बना रखा होता है और उसी उसी प्री कंडीशनिंग के साथ मैं जब जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो जो भी बोल रही हूँ उसको मैं सही जैसी वो बोल रही हैं जैसे वो बात रख रही हूँ उसको वैसा सकते वैसा मैं सुन भी नहीं पाती हूँ अब ये अभी मेरे को समझ में आया मगर क्योंकि जब जब अब मैंने जब जब, जब ऐसे पॉसिबल हो तो ये बात को जैसे लेकर ना मैंने कहा कि अच्छा अभी मुझे जाना है और मुझे बिल्कुल एक क्लीन स्लेट होकर आई हैव टू गो है नॉट विद एनी प्री कंडीशनिंग एंड मोर ओवर ये ये भाव जब मेरे में आता है कि नहीं अगला व्यक्ति मेरे जो संस्कार है गहरे ना उसको देखने में मदद कर रहा है ये व्यक्ति है ना इस व्यक्ति को एक टास्क दिया हुआ है कि ये मेरे गहरे संस्कार को कैसे मतलब मैं देख पाऊ इसके लिए मदद कर रहा है मैं इसको बुरा समझ रही हूँ तो मुझे इसके प्रति कृतिक होना चाहिए क्योंकि वरना अगर मैं ऐसे डिफिकल्ट लोगों के साथ अगर मेरा जो जिनको मैं डिफिकल्ट समझ रही हूँ उनके साथ अगर मेरा जीना नहीं होता तो मैं जान ही नहीं पाती मुझे लगता मैं तो सही हूँ मैं तो okay. बहुत रिजोल्व हूँ पर वो ऐसे हो जब होते हैं तब मुझे समझ में आता है कि ऐसे रिजोल्व नहीं हूं मैं ना तो मैं देख पाती हूँ काफी समय लगेगा क्योंकि काफी सारा समय इस विरोध के उसमें गया तो मुझे अब उसको करेक्ट करने में मैं अगर समझती हूँ कि मैं ही ज्यादा समझदार हूँ तो मैं ही ज्यादा जिम्मेदार भी हूँ तो अब ये जिम्मेदारी मेरी है तो अब कैसे अप्रोच करना है तो जब मैं इस तरह से अप्रोच करती हूँ तो फिर मैंने देखा कि वो ऐसा कुछ कह ही नहीं रही है मैंने ही मतलब बनाया होता है उस बातों का ऐसे लगता है दीदी मुझे जी नमस्ते सभी को नमस्ते बहुत बढ़िया शेयरिंग रही अपराजिता जी आपकी बहुत ऑनेस्ट बहुत सिंसियर और एकदम क्लैरिटी के साथ कि क्या हम अभी देख पा रहे हैं क्या अभी नहीं देख पा रहे हैं कभी कभी हम लोग ऐसा ऐसा दिखता है कि बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है लेकिन ऐसा नहीं है है ना हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं फिर कुछ कदम पीछे भी स्लिप होते हैं जो कि आपने बहुत अच्छे से बताया और कुछ पॉइंट्स जो आपने इलाबरेट करे मुझे लगता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सबके लिए जैसे कि आपने अभी जो वृंदा जी के क्वेश्चन का जवाब जब आपने दिया कि हम बाहर क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि हमारा भाव कैसा है चाय पी नहीं पी खाना खाया नहीं खाया वो बाहर हो रहे है, इंसिडेंट्स हैं लेकिन उसके पीछे हमारा भाव क्या है दूसरे के प्रति वो देख पाना और उसमें अपनी स्थिरता को बढ़ाना वो इम्पोर्टेंट है और ये कि हमारी प्रायोरिटी ठीक रहे समझ फर्स्ट प्रायोरिटी संबंध सेकंड प्रायोरिटी और फिजिकल फैसिलिटी थर्ड प्रायोरिटी वो देख पाना तो मुझे लगता है कि सही समझ की तरफ बढ़ने का बहुत आसान तरीका है और अपना कंपस जो अपने अंदर है सेहत स्वीकृति जो है वो तो है ही है जो जिसके बल पे हम लोग गाइडेंस ले सकते हैं और ये भी जो आपने मेंशन किया वो पॉइंट जो सुनीता जी भी बता रहे थे कि दूसरा यू नो हम शुरुआत में हमें लगता है कि दूसरा हमें परेशान कर रहा है फिर उससे उभर के हम कहते हैं कि ठीक है हम तो परेशान नहीं है अब हमें कोई परेशानी नहीं है दूसरा ठीक है जो भी कर रहा है वो कर रहा है उसकी स्थिति है लेकिन ये बात कि दूसरे के प्रति कृतज्ञता और ये देख पाना कि मैं दूसरे के लिए क्या कर सकती हूँ दूसरे के प्रति मैं ना मेरा भाव सही रख के उसके लिए कंसर्न रख के मैं उसको उसको कैसे हेल्प कर सकती हूँ वो देख पाना वो एक नेक्स्ट फेज की बात है तो मुझे तो शुरू से ऐसा लगता है कि आपके संस्कार पहले से ही अः बहुत अच्छे संस्कार रहे हैं और मुझे ऐसा दिखता है और शांत स्वभाव के हैं आप और इस अम, ये एक्सरसाइजेस के थ्रू गुजर के और एक्सप्लोरेशन करके और मुझे इसमें दिख रहा है कि आप बहुत इसमें गति कर रहे हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं